गुरुग्राम में कांग्रेस प्रदेश महासचिव का हुद्दा को लेकर आपत्तिजनक बयान। प्रदेश महासचिव हरिओम कौशिक ने दिया बयान, सत्ता भोग चुके नेताओं को नहीं पच रही तंवर की कामयाबी। इशारों इशारों में हुड्डा को बताया गर्म दल का नेता। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में आज SFI के बैनर तले छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने अपनी 12 मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। सिरसा जिले के किसान आज तीसरे दिन भी खराब फसलों के मुआवजे की मांग सहित कई मांगों को लेकर लघु सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। किसानों की मांग को लेकर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसानों से मिलने के लिए नहीं आया। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती उनका धरना जारी रहेगा। फतेहाबाद में 873 करोड़ का राइस एक्सपोर्ट करने वाले करीब 136 राइस शेलर मालिकों ने सरकार को लगाया करोड़ों का चूना। करीब 35 से 36 करोड़ के टैक्स चोरी का मामला हुआ उजागर। DGTC विभाग ने जिले के 136 शेलर मालिकों को जारी किया नोटिस। पलवल के गांव मानपुर में DJ पर नाचते समय हुई हर्ष फायरिंग में 18 वर्षीय युवक को गोली लगी। युवक को उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज नू के लिए रेफर कर दिया गया है। बाहेन थाना पुलिस एरिया में हुई इस घटना के बारे में अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। गुहाना के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। डिलीवरी के लिए आई महिला ने अस्पताल के शौचालय में दिया बच्चे को जन्म। जन्म के बाद बच्चे की मौत। महिला के परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। देर रात की घटना। परिजनों के कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस में दी गई शिकायत।